हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एमस्टॉक ऐप के सभी चार्जेस के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपको एमस्टॉक ऐप के ऊपर अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है जीरो ब्रोकरेज के चक्कर में, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके साथ ही अगर आपका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी एमस्टॉक ऐप के ऊपर है तो आप भी ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो इनके चार्जेस हैं वो मैंने देखा है कि टाइम टू टाइम ये लोग नए चार्जेस को ऐड कर रहे हैं जो कि पहले किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एंड ये चार्जेस सभी डीमैट अकाउंट यूजर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो जीरो एएमसी जीरो ब्रोकरेज का जो दावा है एमस्टॉक ऐप की तरफ से वो पूरा का पूरा फेल होता है। एंड नए चार्जेस लगा करके यहाँ पर जो एएमसी के चार्जेस हैं वो वसूले जा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एमस्टॉक ऐप के ऊपर आपको दो तरीके के अकाउंट ओपन करने के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला अकाउंट है जो कि है 149 अकाउंट। यहाँ पर आपको 149 रुपीज पे करना होता है एंड फिर उसके बाद आपको डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। देन इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो या फिर करेंसी में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन का मतलब है जब आप कोई भी शेयर बाय करोगे इंट्राडे में तब भी आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर आप सेल करोगे तब भी आपको 20 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। लेकिन 149 अकाउंट के अलावा यहाँ पर आपको एक और दूसरा ऑप्शन मिलता है जो कि है 999 अकाउंट। यहाँ पर आपको 999 रुपए पे करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपका जो ब्रोकरेज है वो हर केस में जीरो हो जाएगा। यानी कि आप चाहे डिलीवरी में ट्रेड करिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए या फिर करेंसी में ट्रेड करिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों ना करिए या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही क्यों ना ट्रेड करें, तब जो आपका ब्रोकरेज अप्लाई होगा वो जीरो रुपीज अप्लाई होगा। दोस्तों, आप चाहे 999 का अकाउंट ओपन करवाएं या फिर 149 का अकाउंट ओपन करवाएं, इसके ऊपर आपको यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको 2% का पार्टनर फीस भी पे करना पड़ता है। लेकिन ब्रोकरेज फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ब्रोकरेज के अलावा अदर गवर्नमेंट चार्जेस भी होते हैं जो कि आपको पे करने होते हैं, फिर चाहे आपका डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ क्यों ना हो। तो वो चार्जेस हैं आपके एसटीटी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज टर्नओवर फीस। ये सभी चार्जेस तो आपके अप्लाई होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपको अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले क्लोज करना होता है। अगर आप 3:20 से पहले अपनी इंट्राडे पोजीशन को क्लोज नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको 60 रुपीज पर पोजीशन का आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने रिलायंस में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रखा है और 3:20 से पहले अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी तो आपको वहां पर 60 रुपए प्लस 18% का जीएसटी जो कि आपका निकल के आता है 70 रुपीज 80 पैसा। अभी अगर रिलायंस के अलावा आपने एक और कंपनी में शेयर ले रखे थे इंट्राडे में तो यहाँ पर जब आपका पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ किया जाएगा तो आपको वहां पर टोटल 70 रुपीज 80 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि आपका निकल के आएगा 141 रुपीज 60 पैसा। तो यहाँ पर आपको पर पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ के केस में। इसके अलावा दोस्तों, जब आप डिलीवरी में शेयर बाय करेंगे फिर चाहे तो उसे आप एक दिन होल्ड करिए, चाहे 2 दिन होल्ड करिए, चाहे 10 दिन होल्ड करिए, चाहे 1 साल होल्ड करिए, जब आप उसे सेल करने जाओगे तब वहां पर आपको डीपी चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। तो सेलिंग के केस में आपको डीपी चार्जेस जो अप्लाई होते हैं एमस्टॉक ऐप के ऊपर वो है 12 रुपीज प्लस 18% जीएसटी जो कि निकल के आता है 14 रुपीज 16 पैसा। ये भी आपको पर कंपनी देना पड़ता है। यानी कि आप किसी दिन अगर एक कंपनी के शेयर सेल कर रहे हैं तो आपको 14 रुपए 16 पैसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी दिन अलग अलग दो कंपनीज के शेयर सेल करोगे तो वहां पर आपको 28 रुपए 32 पैसे का चार्ज पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं एमस्टॉक ऐप के ऊपर अप्लाई होने वाले अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, यानी कि एएमसी की। यहाँ पर जो आपका एएमसी अप्लाई होता है वो 120 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर क्वार्टर अप्लाई होता है। लेकिन इस एएमसी को आप यहाँ पर फ्री भी करवा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर 999 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो 999 रुपए प्लस 18% जीएसटी, इतना अगर आप पे कर दोगे तो आपका वहां पर जो एएमसी है वो पूरा लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। वैसे इन सभी चार्जेस के बारे में एमस्टॉक ऐप के जो पुराने यूजर्स हैं उनको नॉलेज होगी, लेकिन अभी एमस्टॉक ऐप के ऊपर एक और नया चार्ज ऐड कर दिया गया है जो कि एमस्टॉक के सभी यूजर्स को देना पड़ेगा। फिर चाहे आपने 999 का फ्री ब्रोकरेज प्लान ही क्यों ना लिया हो या फिर 999 का आपने फ्री एएमसी प्लान भी क्यों ना लिया हो, तो वो जो चार्ज है वो है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस। ये क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं एमस्टॉक ऐप के ऊपर। ये जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होगा ये 99 रुपीज प्लस 18% जीएसटी मिला करके 116 रुपए 82 पैसे अप्लाई होगा पर क्वार्टर।
यानी कि हर 3 महीने पे आपको ₹116.82 तो पे करने ही पड़ेंगे, फिर चाहे तो आपने इनका 999 का फ्री एएमसी प्लान ही क्यों ना लिया हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं एमस्टॉक ऐप का यूज करता हूँ, तो इसका जवाब है नो, मैं एमस्टॉक ऐप का यूज नहीं करता हूँ। मैंने बहुत पहले, करीबन 1 साल पहले, एमस्टॉक ऐप का यूज किया था, लेकिन इस ऐप के ऊपर काफी ग्लिचेस मुझे देखने को मिले, जो कि अभी भी एमस्टॉक ऐप के यूजर्स को देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से मैंने एमस्टॉक ऐप का यूज करना बंद कर दिया है, एंड मैं पर्सनली ज़ेरोधा का यूज करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको ज़ेरोधा के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहां पर आपको ₹200 का अकाउंट ओपनिंग फीस पे करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा वहां पर आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते, जैसे कि एमस्टॉक ऐप के केस में आपसे ऑपरेटिंग चार्जेस लिए जाने लगे। अब फ्यूचर में ना जाने ऐसा कौन सा चार्ज ये लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी नॉलेज हमें नहीं है। सो गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते थे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।